नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। बहुत दिनों से आपको क्लास 10th के जो टर्म 2 एग्जाम है उसका जो डेट शीट है, मतलब उसका टाइम टेबल है, उसका इंतजार था। तो आखिरकार क्लास 10th की जो डेट शीट है वो आ चुकी है, बोर्ड ने इसको रिलीज कर दी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से दिन कौन सा पेपर है और किस तरह से आपको इसमें गैप मिला है ताकि आप अच्छे से उसकी स्टडी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो पेपर है वो 27th अप्रैल का है। 27th अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और जो पहला पेपर है वो आपका इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पहला पेपर है। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो नेक्स्ट पेपर आपको मिलेगा 5th ऑफ मई को। 5th ऑफ मई को आपका मैथमेटिक का पेपर है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक और बेसिक मैथमेटिक दोनों का पेपर है। तो वो आपको 5 तारीख यानी 5 मई को आपका पेपर रहेगा मैथ का। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं 7th मई को। 7th मई को आपको संस्कृत का पेपर है। जिन बच्चों ने 10th में संस्कृत ले रखी है उनका संस्कृत का पेपर रहेगा सैटरडे को, 7 तारीख को। और 10th मई को आपका साइंस का पेपर रहेगा। ये सभी बच्चों के लिए होता है, जो संस्कृत होता है वो कुछ बच्चे लेते हैं, लेकिन साइंस सभी बच्चों के लिए रहेगा 10th मई को। फिर 12th मई को नेक्स्ट पेपर आपका 12th में, वो बच्चे जिन्होंने उर्दू ले रखा है, उर्दू वाले बच्चों का पेपर 12th ऑफ मई को रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे 14th ऑफ मई, 14th ऑफ मई को सोशल साइंस यानी SST का पेपर रहेगा सभी बच्चों का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे वेडनेसडे को जो पेपर है वो हिंदी का रहेगा, सभी बच्चों के लिए रहता है पेपर। तो हिंदी का, हिंदी कोर्स है, कोर्स भी जो जिन बच्चों ने भी जो भी कोर्स ले रखा है वो आपको 18 तारीख को रहेगा दोनों का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 24th ऑफ मई, 24th ऑफ मई को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्होंने ले रखा है यानी कि IT, जिसका कोड 402 है, और कुछ बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं उनका जो कोड है 165, तो 165 जिनका कोड है वो रहेगा 23rd मई को, और जिनका कोड 402 है उनका जो रहेगा वो 24th मई को रहेगा। अगर इसमें देखा जाए कि गैप कैसे मिला है, तो जो फर्स्ट पेपर आपका है, जैसे फिफ्थ आपने देखा होगा, फर्स्ट पेपर आपका 27 को है। इसके बाद आप देखिए अगला पेपर कब आ रहा है, मई को, यानी 5th मई को आ रहा है। तो 27 से 5th मई इस बीच में आपको गैप रहेगा, जिसमें आप अच्छे से मैथ की पेपर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ देखिए, जो बच्चे का मैथ के पेपर का साइंस का पेपर यानी कि संस्कृत का पेपर है, उन बच्चों का जिनका संस्कृत ले रखा है उनको जरूर दिक्कत है कि उनके बहुत कम गैप रहेगा, यानी 7 के बाद ओनली 2 दिन का गैप रहेगा और उनको साइंस का पेपर देना है, ठीक है। इसी टाइप से जो जिन बच्चों ने उर्दू का ले रखा है, देखिए उर्दू है 12 को उर्दू का पेपर है, और इसके जस्ट बाद यानी आप देखेंगे यहाँ 14 को सोशल साइंस का पेपर देना है। तो जिन बच्चों ने संस्कृत लिया है उनको भी अगले पेपर में कम गैप है, और जिन्होंने उर्दू लिया है उन बच्चों को भी अगले पेपर के लिए कम गैप है, बाकी सभी पेपर में ठीक ठाक गैप है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छे से अच्छे परसेंटेज बना सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए। आज्ञा, जय।